और सीधे मंदसौर का रुख कर रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, अगर देखा जाए तो मंदसौर में 75 साल का और नीमच में 50 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। जिस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है वो वाकई डरा देने वाली है। अभी स्थिति क्या है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए बिल्कुल सायरा, जो स्थिति थी कई सालों बाद इस तरह की स्थिति बनी है, और आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये मंदसौर का धान मंडी इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। आपसे कुछ घंटे पहले तक यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 फीट तक पानी भरा हुआ था, और आप देख सकते हैं कि दुकान और दुकान में रखे तमाम जो माल था व्यापारियों का वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और जो है ये आफत और बढ़ जाती, लेकिन गनीमत रही कि मौसम ने साथ दे दिया, कुदरत ने साथ दे दिया और पानी रुक गया। इसके साथ ही धूप निकल आई जिससे पानी बहुत तेजी से उतरा, और अब ये पूरा इलाका जो है जिसको कह सकते हैं कि पूरी तरह से साफ है। और कुछ व्यापारी भी हैं, क्या कुछ उस दौरान हुआ जब बाढ़ आई थी, कितने विपरीत हालात थे, उसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या हालात इस समय रहे थे? 50 साल के अंदर वर्षा के नाम पर जो बर्बादी आज मंदसौर शहर में हुई है वो आज तक हमने नहीं देखी है। दूसरा, बारिश के बाद जो मंदसौर की स्थिति बनी है उसमें शुक्ला चौक, बस स्टैंड, सम्राट मार्ग, कोतारा धान मंडी और लकड़पीटा, ये 100% इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। और विशेषकर धान मंडी का जो क्षेत्र है जिसको शुक्ला चौक और उतारा धान मंडी बोलते हैं, ये पूरा का पूरा तक पानी में डूबा रहा। और ये बसत होगा है ना, ये स्थिति बनी केवल से केवल मंदसौर प्रशासन की लापरवाही की वजह से। अगर जिला प्रशासन जिस प्रकार पहले सायरन बजा के लोगों को सूचित किया जाता था कि भाई आप बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, आप अपना माल उचित स्थान पर ले जाके संगठित कर लीजिए और अपना स्थान निश्चित कर लीजिए कि जिससे आपको आर्थिक नुकसान न हो, लेकिन प्रशासन के द्वारा एक भी बार सायरन बजा के जनता को यह सूचित नहीं कहेगा कि बाढ़ की स्थिति बहुत भयानक हो चुकी है। मेरा निवेदन है नगरपालिका प्रशासन के अध्यक्ष से, जिला प्रशासन से, जल संसाधन मंत्रालय से और जलकल सभापति से कि ये लोग अगर समय पे चेत जाते तो आज पूरा मंदसौर की यह बर्बादी नहीं होती। दूसरा सवाल मेरा ये है कि आज मंदसौर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, नगरपालिका अध्यक्ष हो, 42 हमारे जो पार्षद हो, एक भी व्यक्ति इन संवेदनशील एरिया में जब मंदसौर 48 घंटे डूबा रहा तो कोई भी जनप्रतिनिधि बाजार में नजर नहीं आया। और मेरा निवेदन है कि अब जब ये पूरा बर्बाद हो चुका मंदसौर, तो ये सभी खादी के पजामे कुर्ते पहनने वाले नेता ये सब फोटो खिंचाने के लिए और अनाज अपने रोटी के पैकेट बांट के अपने फोटो खिंचा के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डाल रहे हैं। आदित्य, यहाँ पर लोगों की नाराजगी कितनी है साफ तौर पर देखा जा सकता है। वोट की राजनीति सालों बाद जिस तरीके से यहाँ पर भयावह स्थिति देखने को मिली है, उसके बाद लोगों में कितना गुस्सा है, कितना रोष है आदित्य, वो हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। पीछे की तस्वीरें बयां कर रही है कि जिस तरीके से पानी जब भरा होगा तब उस वक्त स्थिति क्या थी, क्योंकि हम पीछे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कोशिश की जा रही है बिल्कुल सामान्य स्थिति बनाने की। जी निश्चित रूप से, देखिए ये स्थिति बहुत सालों बाद हुई और इसके पीछे सीधे सीधे तौर पर जो प्रशासन की लापरवाही वो बताई जा रही, क्योंकि जहां एक और प्रशासन इसे प्राकृतिक आपदा बता रहा है, वहां इलाके के लोगों का कहना है कि थोड़े बहुत पानी में भी इलाके में पानी आता था, लेकिन जो पंप स्टेशन है उन्हें बहुत नीचे की तरफ रखा गया है और थोड़े से पानी से पंप स्टेशन पूरी तरह भर जाते हैं, इसलिए पंपिंग नहीं कर पाते और पूरे बाजार में पानी भर जाता है और उससे व्यापारी को खासा नुकसान होता है। आपको बताना चाहूंगा कि 24 घंटे तक ये पूरा इलाका 6 से 7 फीट पानी के अंदर डूबा रहा और बहुत ही जोखिम भरा था ये सब कुछ। कितना नुकसान आपका हुआ यहाँ? मैं आकाश चंद्र बैजल, बसेर चौक। बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, पानी भरा गया था, 40 से 50 लाख रुपए का नुकसान है। सारे गोडाउन, सारे दुकान, सब में पानी आ गया है और अब इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कृपया इसकी सुनवाई कराइए। आप क्या मानते चूक कहाँ पर हुई? प्रशासन की साहब इसमें घोर लापरवाही हुई। 24 घंटे पानी भरा रहने के बाद भी कोई प्रशासन का अधिकारी, कोई प्रशासन का बंदा, कलेक्टर वगैरह, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। प्रशासन की घोर लापरवाही, घोर चूक रही इसमें। नहीं तो व्यापारी का नुकसान जो हुआ, जैसा भगवान भाई बता रहे हैं कि मेरा 50 लाख का, तो नुकसान का आंकड़ा निश्चित रूप से बहुत कम हो सकता था। प्रशासन की घोर लापरवाही रही, न कोई CMO, न नगरपालिका अध्यक्ष देखने आए। यहाँ तक कि प्रदेश के मुखिया माननीय श्री कमलनाथ जी ने संवेदनाओं के 4 शब्द नहीं कहे।
कुछ ऐसे नदियां बढ़ी के किनारे डूब गए, कुछ ऐसे बादल उठे कि सितारे डूब गए, राह के कांटों से कौन मंदसौर की जनता को आगाह करे, नोटों के ढेर में रहनुमा हमारे डूब गए। जय हिंद जय भारत, सत्यमेव जयते। बहुत बड़ी बात आदित्य, आदित्य पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो क्या अभी भी वहाँ पर है या फिर वहाँ से निकल चुके हैं? आदित्य पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हमने देखा कि बारिश के कहर को लेकर, बाढ़ को लेकर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप भी देखा, हमने सियासत भी देखी और ये तस्वीर देख रहे हैं जहां लोगों का गुस्सा किस तरीके से फूट रहा है। क्या अभी भी वो वहां पर हैं या फिर निकल चुके हैं वहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? देखिए शिवराज सिंह चौहान यहाँ से निकल चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान अब नीमच के दौरे पर हैं और उसके बाद आगे का उनका जो रूट प्लान है वो अभी तक तय नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ लोगों का ये कहना है कि बजाय इस पूरे वाकये पे, बजाय इस आपदा पर सियासत करने के, बजाय इस आपदा पर फोटो खिंचाकर फेसबुक ट्विटर या सोशल साइट पर वायरल करने के कोई मदद की जाती, कोई ठोस नतीजे निकाले जाते ताकि भविष्य में इस तरह की आपदा ना हो, ऐसे प्रयास किए जाना चाहिए। तो लोग सिरे से खारिज भी कर रहे हैं इस बात को, इत्तेफाक भी नहीं रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से सियासी रंग है, क्योंकि अगर सियासत नहीं होती तो शायद उनको इस फोटो को वायरल करने की आवश्यकता ही नहीं होती अपने सोशल अकाउंट ट्विटर अकाउंट पर। तो ये कहीं ना कहीं सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान जो सुबह यहाँ थे, कुछ समय उन्होंने यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और अब वो दौरा करने के लिए नीमच जा चुके हैं। और मंदसौर चूंकि प्रकृति ने साथ दिया, कुदरत ने साथ दिया, पानी रुक गया, धूप निकल आई और पानी उसके बाद मंदसौर से उतर गया, नहीं तो हाल बहुत खराब थे। जनता से भी जान लेते हैं साहब, ये फोटो खिंचाना जो होता है इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? इससे क्या इत्तेफाक साहब, ये फोटो खिंचवाना और एक सामने वाले को जो नुकसान हो रहा है। आज जैसे मेरी फर्म है गोस्वामी डीलर धान मंडी में, आज मेरा जो 8 से 10 लाख, मगर एक भी कोई ऐसा मुखिया नहीं आया जो बात करेगा यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जो फोटो खिंचवाने से कोई फायदा ही नहीं। कोई और मैं बाढ़ आई, आसपास के जिलों में बाढ़ आई, फोटो तो बहुत चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कोई आया ही नहीं यहाँ पर, तो ये कैसे हो सकता है? फोटो भी तो दिखा रहे हैं वो लोग वहाँ पर, तो ये फोटो से मदद पहुँच गई क्या? आप लोग तो मदद पहुँची फोटो के वायरल? नहीं नहीं नहीं, फोटो से कोई मदद नहीं पहुँची। नहीं तो क्या है ये फोटो क्या है सर? वो तो खाली दिखाने के लिए आए हैं, मदद के नाम पर तो कुछ आया ही नहीं। मदद के नाम पे अगर प्रशासन ने कुछ किया होता तो बर्बादी का ये तांडव जो आसपास आप देख रहे हैं वो निश्चित रूप से बहुत कम हो गया होता। ये बर्बादी का जो तांडव आप देख रहे हैं ये पीछे, ये प्रशासन की घोर 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 लापरवाही है जिसे कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। अच्छा अब आगे क्या चाहते हैं आप लोग, क्या ये क्या मानते हैं आगे क्या हो, क्योंकि अभी भी रेड अलर्ट बता रहे हैं, हालांकि फिलहाल तो धूप निकल आई है, लेकिन अब आगे क्या होना चाहिए, कैसे देखते हैं इनको आगे? तो यही करना चाहिए साहब, जो पंप है पानी फेंकने के शहर से बाहर, उनकी पानी फेंकने की पहले व्यवस्था करें। जो निचले बस्ती में अभी भी हैं और अलर्ट है तो इनको आगे जाके उनके प्रशासन को उस बस्ती से निकालना चाहिए ताकि आगे और घटना नहीं हो। इससे जो भी हो हाँ, ये बेहद जरूरी है कि जो निचले इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी अभी भी रुका हुआ है, आप देख पा रहे हैं।